हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ की। तो यार आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल है, और स्पेशल होने का कारण ये भी है कि हम लोग चैट जीपीटी यूज़ करने वाले हैं। वैसे चैट जीपीटी का एक डेडिकेटेड वीडियो है, जिनको नहीं पता है तो एक AI कहना चाहिए वेबसाइट है जिससे हम बातचीत करते हैं, तो एक डेडिकेटेड वीडियो है, वो आई बटन में लिंक कर देंगे, तो देख लेना। काफ़ी मज़ेदार वीडियो है, वो काफ़ी पसंदीदा वीडियो है मेरा, तो आप देख सकते हो, ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए। तो हम जो यूज़ करने वाले रहेंगे चैट जीपीटी का, और हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है, हम इंस्टाग्राम के लिए बना रहे होंगे डिज़ाइन, और कैनवा का यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है, कैनवा इंटू चैट जीपीटी, हम ये दोनों चीजों का यूज कर रहे होंगे और कोशिश करेंगे कुछ अच्छा सा कंटेंट बनाने की। यार इस वीडियो का पीछे का मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि क्या सिस्टम चल रहा है, क्या सीन मैंने सोच के रखा है। यार हम ना 10 पोस्ट डिजाइन करने वाले रहेंगे अलग अलग, ठीक है, आपको पैटर्न हम सेम रखेंगे ऑलमोस्ट, पर आप विद इन 30 मिनट्स 10 डिजाइन कर लोगे। और इसके अलावा उसका जो कैप्शन रहेगा, इस तरीके से ये आइडिया सेम रहेगा, मैं अपने तरीके से बता रही हूँ। आप जो है इस तरीके से एक थीम पेज क्रिएट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, अपना पोस्ट जो है शेड्यूल कर सकते हो, काफी सारी चीजें कर सकते हो यार, तो मतलब काफी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। और आप जो है अपने शेड्यूल करो पोस्ट, और एकदम से आप एक दिन में ही एकदम अगले 10 दिन का कॉन्टेंट प्लान कर सकते हो। अगर आप 2 दिन मतलब एक दिन में अगर 2 पोस्ट भी डालने का सोच रहे हो, तो आपका 5 दिन का कंटेंट आप 30 मिनट्स में प्लान कर सकते हो, ठीक है। काफी आसानी से हम कोट पोस्ट बना लेंगे कोट से रिलेटेड, और इसका जो है चैट जीपीटी का क्या रोल कर रहने वाला है, हम आइडियाज ले सकते हैं चैट जीपीटी से, कैप्शन जनरेट करेंगे चैट जीपीटी से, हम अच्छे हैशटैग्स जनरेट कर सकते हैं चैट जीपीटी से, काफी सारी चीजें कर सकते हैं। तो चैट जीपीटी ऐसे हो रहा है यार, हम चैट जीपीटी से ये सारा कुछ करने वाले रहेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, होप आपको अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब पहले कर बोल दे रहे हैं यार, सब लुक कर देना। तो हम बिना किसी देर के चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, देख लेते हैं कि हम कैसे क्या करने वाले। आप जैसे ही कैनवा पे जाओगे, और यहाँ पर मैंने कोड सर्च किया हुआ है, तो आपको इस तरीके से कुछ टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, आप किसी भी एक पे सिलेक्ट कर सकते हो और कस्टमाइज इस टेम्पलेट पे क्लिक कर देना यार, तो वो आपको एक नए पेज पर लेकर के आ जाएगा। यहाँ पर जैसे कि आ गया है, ऊपर जो टाइटल बार है यहाँ पर हम जो है हेडिंग दे देंगे इंस्टाग्राम पोस्ट, और इसके बाद जो है हम इंस्टाग्राम पोस्ट 1 डाल दिया हमने यहाँ पर, और इसके बाद जो है हम इसको एडिट करेंगे, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पेज है, ऐसे हम 10 और बनाने वाले हैं, तो आप सिंपली एडिट करो, और उसके बाद जो है नीचे लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने अपना जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो डाल दिया है कि @shrutirajput576, और यहाँ पर जो है अब हम अगले पेज में खोल लेंगे चैट जीपीटी को, और इसमें जो है हम जाकर के जो है अपने जितने भी कोड्स हैं वो जनरेट कराएंगे, ठीक है। तो अभी हम आ चुके हैं चैट जीपीटी पर, और हम यहाँ पर इनको बोलेंगे पॉजिटिव कोड, तो यहाँ पर ये जो है हमें एक पॉजिटिव कोड दे देगा ये भाई। तो हमने क्योंकि एक कोड बोला या पॉजिटिव कोड बस लिखा था, इसलिए उसने एक ही दिया, तो अब हम डालेंगे 10 पॉजिटिव कोड्स, तो इस तरीके से वो हमको 10 पॉजिटिव कोड्स दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको करते जाना है, और अब जो है हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे और वहां पर लगा देंगे जो है हमारी डिजाइन में, ठीक है। तो अभी हम लगभग 30 मिनट के अंदर अंदर ना 10 पोस्ट तैयार कर लेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है। ठीक है यार, हमारे पास आ चुके हैं 10 के 10 कोड्स। अब हम वापस चलते हैं अपने कैनवा के पेज की तरफ, यहाँ पे से जो हमारा कोड है हमने वो कॉपी किया है और यहाँ पर आके के पेस्ट कर दिया है, और उसके बाद जो है हम इसको थोड़ा खींचतान करके जो है इसका अलाइनमेंट जमा देंगे। इसके अलावा आप इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हो, साइज चेंज कर सकते हो, इनफैक्ट कलर वगैरह सब चेंज कर सकते हो, ठीक है। अभी नीचे जो है मैंने होशियारी में श्रुति राजपूत 576 लिख दिया है, लेकिन जो इनके असली राइटर है उनको हमको क्रेडिट देना पड़ेगा, तो हम उनका नाम लिखेंगे यहाँ पर एरो के यहाँ पर, ठीक है। और नीचे जो है हम अपना नाम रहने देंगे, क्योंकि ये जो पोस्ट है वो हमने तैयार किया है, तो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी प्रमोट होना चाहिए, तो इसलिए हम उसको भी लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद यार डुप्लीकेट पे प्रेस करोगे तो वो दोबारा से एक नए पेज पे आ जाएगा, आप पीछे से जाकर के इसका कलर चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर किया, लेकिन वो टोटल पूरी एक इमेज थी, इसलिए वो जो इमेज थी वो गायब हो गई है, ठीक है। जो है इस तरीके से हम सारे कोड्स जो है यहाँ पर लिख लेंगे, और इनका जो इनके जो राइटर हैं उनको भी क्रेडिट दे देंगे, इस तरीके से सारे जितने भी 10 के 10 कोड्स हैं उनको हम इस तरीके से लिखते जाएंगे। अभी ये जो है हम दूसरा पोस्ट तैयार कर रहे हैं यार, तो अब इसके लिए आप क्या करोगे, सिंपली एलिमेंट्स में जाओ, और उसके बाद जो है यहाँ पर सर्च बार में टाइप करो, यहाँ पर मैंने जो है ड्राइंग टाइप किया है, ड्राइंग पांडा, ठीक है। तो यहाँ पर पांडा की ड्राइंग आ जाएगी, तो हम एक बहुत ही क्यूट सा ले लेंगे पांडा और उसको हम डाल देंगे, ठीक है। तो हमारा कोड बहुत ही जना कहना चाहिए मोटिवेटिंग है, लेकिन हमारी पोस्ट एंगेजिंग बनाने के लिए, अच्छी बनाने के लिए, अच्छे से दिखने के लिए, तो हम एक क्यूट सा एलिमेंट लेंगे और उसको डालेंगे।
फिर आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट टू इमेज जो है एक न्यू फीचर आया है जिसमें कि आप सिंपली जो है टेक्स्ट डाल सकते हो और उसके बाद वो जो है उसको इमेज में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया है अक्यूट पांडा हैविंग अ पेन इन हैंड राइटिंग इन एयर, ठीक है, इस तरीके से मैंने कुछ डाल दिया है। आप कुछ भी डाल सकते हो, आपको जो डालना हो, और वो आपको इमेजेस जनरेट करके देगा जैसे कि यहाँ पर दिया है उसने कुछ ऑप्शंस। तो अगर आपको इनमें से कोई पसंद आता है तो आप उनको यूज कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला यहाँ पर लगा दिया है, और इस तरीके से आप ये इमेजेस भी यूज कर सकते हो, ठीक है, और इसको लगा सकते हो और यहाँ पर यूज कर सकते हो पोजिशन टू बैक करके। तो ये भी काफी बढ़िया टूल है टेक्स्ट टू इमेज वाला, लेकिन फिलहाल के लिए जो है हम ये ड्रॉइंग पांडा से ही काम चलाएंगे और इनमें से ही एक क्यूट सा पांडा लेंगे जैसे कि ये वाला है। ये काफी प्रिटी है और काफी सुंदर लग रहा है, तो हम इसको यूज करेंगे दोस्तों। अब आप इसको बढ़िया तरीके से अरेंज कर दो इस पांडा को, और ये हमारा अरेंज हो गया है। थोड़े फाइनल अरेंजमेंट्स करेंगे टेक्स्ट को लेकर के और हमारा जो कोट का बटन है उसको लेकर के, और इस तरीके से जो है हमारा दूसरा पोज भी तैयार हो गया है। अभी हम ऐड अ न्यू पेज करेंगे जैसे कि वहाँ पर वो जो प्लस आइकन है उस पर दबा करके, और उसके बाद जो है अब हम दोबारा बनाएंगे, ठीक है। तो आप नीचे देख सकते हो ग्राफिक्स में से हमने जो है ये कोट वाला ग्राफिक ले लिया है, इसका कलर चेंज कर दिया है वाइट में, इसको एकदम ऐसे खींच करके जो है हम बड़ा कर देंगे और यहाँ पर जो है इसको इस तरीके से अरेंज कर देंगे। अब इसमें जो है हम हमारा नया कोट लिखेंगे, थर्ड कोट, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम कोट लिखेंगे। यार ये जो प्रोसेस है ना, आप इसको कर करके बहुत सारे बना सकते हो, और सिंपली जो है आप एक अपना थीम बेस्ड इंस्टाग्राम पेज स्टार्ट कर सकते हो, कोट बेस्ड इंस्टाग्राम पेज स्टार्ट कर सकते हो और बढ़िया सुंदर पोस्ट बना सकते हो, और उसके बाद उसको पोस्ट कर सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो इंस्टाग्राम के लिए, और उसके बाद आप उनको यूज कर सकते हो। यहाँ पर जो है फॉन्ट दूसरा है, इसके अलावा हम साइज 50 कर देते हैं इसका, और इसके बाद आप जो है बहुत सारी चीजें कर सकते हो यार इसमें। अभी फिलहाल के लिए जो है हम इसको एकदम सिंपल रखेंगे, इसका जो है हम साइज वाइज थोड़ा मैनेज करते हैं। एलिमेंट्स पे जाओ यार, यहाँ पर जो है आप लीफ सर्च करो, वेराइटी ऑफ लीव्स आपको देखने मिल जाएंगे, आपको जो अच्छी लगती है आप वो डाल सकते हो। यहाँ पर मैंने इस तरीके से लीव को अरेंज किया है, हम ऊपर नीचे दोनों तरफ लगाएंगे। आप चाहो तो ये कोट का हटा करके पूरी तरफ लीव लगा सकते हो, और इस तरीके से अपना कोट पेज के लिए एक नया डिजाइन तैयार कर सकते हो। फाइनल अरेंजमेंट्स करेंगे, थोड़ा कलर वलर चेक करते हैं, कोई और कलर में अगर वो अच्छा लग रहा होगा तो हम सारे कलर्स देखने के बाद मैंने निर्णय किया है कि हम ब्लैक कलर ही रखेंगे दोस्तों। और इस तरीके से हमारे तीन पोस्ट बन के तैयार हो चुके हैं। अभी इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे तीन पोस्ट हैं, अब इनको हम डुप्लीकेट कर देंगे, ठीक है, और हमारे पास तीन और पोस्ट आ जाएंगे। अब जो है हम फोर्थ कोट पे जाएंगे और अब हम नेक्स्ट वाले कोट को बनाया जाएगा। सिंपली उसी तरीके से जो है हमने दोबारा कोट को कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पर लगा दिया है, इस तरीके से अरेंज कर दिया है आप देख सकते हो। और इस तरीके से पहले हम जितने भी कोट्स हैं ना उन सबको एक एक बार अपने पेजेस में लिख लेंगे और उसके बाद इकट्ठा डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो 10 कोट्स के 10 पेजेस पहले हम लोग एक बार ऐसे कॉपी पेस्ट करके बना लेते हैं और फिर डिजाइन करेंगे। ओके दोस्तों, अभी यहाँ लीफ की जगह एलिमेंट्स में जा करके आप फ्लावर्स टाइप कर दो, ठीक है। अभी हमें बहुत सारे फ्लावर्स के ऑप्शन मिल जाएंगे और यहाँ पर हम जो है एक फ्लावर अच्छा सा लेकर के और उसको अरेंज करेंगे, ठीक है, सुंदर तरीके से। आफ्टर सर्चिंग फॉर अ व्हाइल आई थिंक दिस वन इज वेरी गुड, ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर लगा देंगे। अब आप सोचो कि ये टेक्स्ट तो दिख ही नहीं रहा है इसमें, तो हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर देंगे दोस्तों, और बहुत ही प्यारा सा कलर लगा देंगे इसमें, इससे मिलता जुलता। और उसके बाद ये देखो आप फ्लिप कर दिया है मैंने, पोजीशन टू बैक कर दिया, तो इस तरीके से वो आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो अब अपने चेंजेस कर सकते हो, हमने कलर चेंज कर दिया है और जो रिलेटेड कलर था इमेज से हमने उसको ही यूज़ किया है, आप देख सकते हो फोटो कलर्स में आ रहा है, ठीक है। वैसे जूम वूम करके देख सकते हो कहाँ पे कौन सा कलर है और जो अच्छा लग रहा हो वो कर सकते हो। तो ये काफ़ी डिसेंट सा हमारा एक और पोस्ट बन करके तैयार हो गया है चंद मिनटों में। अब चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट की तरफ। अब हम जो है हमारा नया जो कोट है हम उसको कॉपी करेंगे और वापस जा करके पेस्ट कर देंगे, उसके बाद जिन्होंने इसको बोला है उनका नाम भी लिख देंगे यहाँ पर, C.S. Lewis। वापस एलिमेंट्स पे जाएंगे और हम दोबारा सर्च करेंगे यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी चीज़ का, जो कि है क्यूट कैट। और आप यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी प्यारे प्यारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर एक बहुत ही क्यूट सा कैट लेंगे और उसको डाल देंगे, ठीक है। तो आप ऐसे थीम बेस्ड भी कर सकते हो जैसे कि मैंने आपको बोला अगर आप चाहते हो तो, लेकिन यहाँ पर अभी हम एक क्यूट सी किटी देखेंगे जो भी हमें अच्छी लग रही होगी, ये वाली पसंद आई है, और हम इसको इस तरीके से अरेंज कर देंगे और हमारा एक और प्यारा सा कोट जो पोस्ट है वो बन के तैयार हो चुका है दोस्तों। अभी जो है नेक्स्ट वाली की बारी आती है, अभी पेज नंबर 6 पे आ चुके हैं हम, ये हमारा 6th पोस्ट। अब इसमें जो है हम ये दलाई लामा वाला जो हमारा नेक्स्ट कोट है हम उसको लिखेंगे बढ़िया तरीके से और अरेंज करेंगे। इस बार जो है हम थोड़ा सा अलग कहना चाहिए एलिमेंट्स का यूज करेंगे और एक बहुत प्यारा सा पोस्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से कुछ अरेंज कर दिया टेक्स्ट को। अब यहाँ पर जो है हम दोबारा सर्च करेंगे फ्लावर्स, आप देख सकते हो काफ़ी सारे फ्लावर्स के ऑप्शन हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हो, आपको जो अच्छा लग रहा हो नहीं लग रहा हो देख लो अपने हिसाब से, आप सब कुछ ट्राई कर करके देखो। अभी हाल फिलहाल के लिए जो है मैंने भी बहुत सारे ट्राई किए हुए थे, यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, एकदम सिंपल है, एकदम यूनिक है। हम इसको ऊपर नीचे दोनों तरफ लगा लेंगे और ये बहुत ही प्यारा लगेगा दोस्तों। हो गया दोस्तों, कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही डिसेंट सा। तो ये हमारा 6th पोस्ट बन करके तैयार हो गया है। अभी जो है हम दोबारा से 3 लेंगे और कॉपी पेस्ट कर देंगे। अब जो है हम दोबारा से डिज़ाइन करते हैं 7th नंबर के पोस्ट को।
दोबारा कॉपी करेंगे। इस बार जो है स्टीव जॉब्स वाला जो हमारा कोट है उसको हम कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे और उसके बाद जो है हम दोबारा से इसको अरेंज करेंगे। वैसे ही इसका अलग करेंगे नाम, इसका कोट अलग करेंगे, आपका खुद का नाम जो है शुभ नाम उसको भी आप रहने दीजिए कहीं पर भी, ठीक है। तो स्टीव जॉब्स को हमने लिख दिया यहाँ पर, इस तरीके से ले आए हैं। अब जाएंगे सर्च बार में और सर्च बार में जाकर सर्च करेंगे हार्ट। जी हाँ दोस्तों, हार्ट। अभी हम हार्ट के लिए देख लेते हैं, हम फोटोज़ में सिलेक्ट कर रहे हैं, अभी देखते हैं कोई अच्छा सा इमेज अगर हमें अच्छा लगेगा। ये वाला जैसे इमेज अगर हमें अच्छा लगा है तो अब हम इसको प्यारे तरीके से इसे बड़ा कर देंगे और थोड़ा सा अरेंज कर देंगे और ये हमारा एक और जो है बन के तैयार हो जाएगा। जो टेक्स्ट का कलर है ऑब्वियसली हम चेंज करने वाले हैं, आप देख सकते हो यहाँ से रेड कलर है बहुत ही प्यारा सा, तो हम उसको यूज़ करेंगे और यहाँ पर जो है कलर चेंज कर देंगे सारे फोन्स का, फोटो कलर्स में से रिलेटेड कलर्स डाल करके। और हमारा 7 नंबर का पोज जो है, पोस्ट नंबर 7 इज रेडी दोस्तों। अभी पोस्ट नंबर 8 पे आते हैं हम, हमने जो बिल्ली है उसको गायब कर दिया है। अब जो है हम नया कोड लेंगे और यहाँ पर आप जो देख सकते हो ये दलाई लामा वाला आई गेस हो गया है, तो हम दूसरा लेंगे, ठीक है, 8th वाला लेंगे। अब ये वाला कोड काफ़ी बड़ा है, हम इसको लेते हैं और यहाँ पर टाइप कर देते हैं। इसका साइज़ ऑब्वियसली छोटा करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी बड़ा कोड है, तो हम इसको छोटा करेंगे। इसका इटैलिक विटैलिक हटा देंगे दोस्तों, बुलेट पॉइंट हटा देंगे, साइज़ जो है हम 20 कर दिया है, काफ़ी छोटा हो गया है, हम थोड़ा बड़ा करेंगे इसको, ठीक है। बाकी के एलिमेंट्स हटा दिए हैं, अब वापस हम एलिमेंट्स पे जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे फ्लावर्स के लिए। तो अभी हमने जैसे फ्लावर्स के लिए सर्च किया तो हमारे पास वापस वही सारे ऑप्शन आ गए। अब देखते हैं एक बहुत ही प्यारा सा फ्लावर का ऑप्शन और उसको ब्यूटिफुली हम अरेंज करेंगे, ठीक है। अभी मुझे ये वाला फ्लावर का जो है ये बहुत अच्छा लगा एलिमेंट, अब हम इसको ऊपर नीचे दोनों तरफ लगा देंगे। इसको आप सिंपली डुप्लीकेट कर सकते हो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी और ऊपर और नीचे दोनों तरफ लगा दो। फ्लिप कर सकते हो, फ्लिप का ऑप्शन है ऊपर, आपको दिख रहा होगा, वहां से आप सिंपली फ्लिप कर दो वर्टिकली और वो इस तरीके से कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। आप कलर चाहो तो चेंज कर सकते हो यार, जो भी आपको कलर अच्छा लग रहा हो आप वो कलर रख सकते हो। फिलहाल के लिए जो है हम ये वाला रखेंगे। फॉन्ट चेंज करेंगे दोस्तों, फॉन्ट चेंज करते हैं, इसको बोल्ड बोल्ड कर देते हैं, तो नाउ इट इज़ लुकिंग क्वाइट गुड। थोड़े से फाइनल अरेंजमेंट्स बनाएंगे और हमारा पोस्ट नंबर 9 इज रेडी एज वेल। अब बारी आती है जो हमने पीछे एक छोड़ दिया है उस पोस्ट को और कर लेते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन को और इसके अलावा आप चाहो तो यार रिलेटेड इमेजेस भी डाल सकते हो, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन है तो आप उनकी इमेज डाल सकते हो, बट मुझे नहीं डालना है, मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है क्यूट क्यूट सा, तो हम ऐसे ही डालेंगे, ठीक है। हम इसके अलावा ये हटा देंगे और यहाँ पर जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन को रहने देंगे, लेकिन फोटो नहीं अल्बर्ट आइंस्टाइन की रहेगी, शब्द उनके रहेंगे, ठीक है। वापस एलिमेंट्स पे जाएंगे दोस्तों और यहाँ पर सर्च कर देंगे क्यूट डॉग के लिए। मैंने डॉग क्यूट लिखा है, आप क्यूट डॉग लिखेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर काफ़ी सारे प्यारे प्यारे इमेजेस हैं और मुझे ये वाला अच्छा लगा है, तो हम इसको यहाँ पर डाल देंगे। जिस तरीके से हमने डाला हुआ है तरीके से आप भी डाल दो और बहुत सुंदर सा बन गया है। अभी हमारे पास जो है इन टोटल 9 डिफरेंट ब्यूटीफुल पोस्ट रेडी है। हम एक और बनाएंगे दोस्तों, ठीक है, एक और बनाते हैं हम। तो आप देख सकते हो अलग अलग वेराइटीज़ की हो गई हैं, थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक ज़्यादा हो गया है, तो हम कोई बात नहीं, चलता है हम एक आध दूसरे कलर में बनाते हैं अभी, ठीक है। लास्ट कोड जो है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम इसको बनाते हैं। पॉजिटिव एनीथिंग इज बेटर देन नेगेटिव नथिंग, ठीक है। तो बढ़िया सा कोड है, अब हम इसको बढ़िया तरीके से बना देंगे और इसका जो है बुलेट पॉइंट अलग करेंगे, इसका फॉन्ट चेंज करेंगे, बढ़िया से एलिमेंट्स लेंगे और सुंदर तरीके से इसको भी अरेंज करेंगे। तो यार बहुत ही प्यारा सा कर्सिव फॉन्ट लिया है मैंने यहाँ पर, और इसके अलावा जो पीछे का बैकग्राउंड है ब्लैक कर दिया है क्योंकि वो दिखेगा नहीं बाकी किसी लाइट कलर पे, ठीक है। तो हमने थोड़ा बड़ा किया उसको, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। और इसके बाद इनके जो जिन्होंने ये कहा है इसको हमें लग रहा है थोड़ा छोटा करना चाहिए, तो अभी जो है जिन्होंने कहा है हमने उनको गायब कर दिया है। अब यहाँ पे जो है हम वापस एलिमेंट्स पे आएंगे और फ्लावर्स के लिए सर्च करेंगे। यहाँ पे जो है मैं चाह रही हूँ कि रोज़ डालूँ, ठीक है। तो काफ़ी प्यारा सा हम रोज़ डालेंगे यहाँ पर, येलो कलर की रोज़ अगर हम डालेंगे कॉन्ट्रास्ट में तो काफ़ी अच्छा लगेगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ट्राई की हुई हैं लेकिन हम जो है इन दी एंड जो है येल्लो रोज़ के साथ जाने वाले रहेंगे क्योंकि वो काफ़ी प्रिटी लगेगा दोस्तों। और यहाँ पर ये जो इस तरीके के रोजेज़ हैं अब इनको अरेंज किया जाएगा, ठीक है। अरेंजमेंट आप कैसे भी कर सकते हो, एक ऊपर एक नीचे, लेकिन मैं जो है मल्टीपल रोजेज़ को लगाने वाली हूँ और बहुत ही प्यारे तरीके से उसको चारों तरफ से कवर कर देंगे डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के साथ और वो काफी प्रिटी लगेगा, ठीक है। तो अभी आप देखो थोड़ा सा टाइम लैप्स। तो यार इस तरीके से कुछ पूरा हमने कवर कर दिया है। अब बारी आती है कैप्शन की। तो अब हमारी जितने भी ये पोस्ट होंगे, अगर मान लेते हैं कि मेरा जो कहना चाहिए इंस्टाग्राम पे पेज है, तो वो है कैसे आप बना सकते हो इस तरीके की पोस्ट उसके बारे में। तो मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे स्टेप बाय स्टेप लिख करके दे दे और वही कॉमन चीज़ मैं हर कैप्शन में पेस्ट करती जाऊँ। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी हाउ टू क्रिएट सिंपल कोड पोस्ट इन कैनवा फॉर इंस्टाग्राम, ठीक है। तो अभी ये मुझे स्टेप बाय स्टेप दे देगा और आप जो है इसको कॉपी करो सिंपली और थोड़े बहुत एलिमेंट्स वगैरह जो है थोड़ा बहुत इमोजी वगैरह डाल करके खुद का नाम डाल करके एक कहना चाहिए एक कॉमन जो है फॉर्मेट बना सकते हो, एक कॉमन फॉर्मेट तैयार कर सकते हो और उसको हर बार कॉपी पेस्ट कर सकते हो और
हर जगह पे लगा सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमने डाला, कैप्शन कॉपी किया, उसके बाद एरोस डाले, शेड्यूल करा एडवांस सेटिंग में जाकर के। इसे आप शेड्यूल करोगे एडवांस सेटिंग में जाकर के, आप टाइम डाल दो, वो अपने आप चला जाएगा। तरीके से आप अपने अगले 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन प्लान कर सकते हो, काफी टाइम सेविंग रहेगा। आइडियाज नहीं मिल रहे हैं तो भी आप ऐसे आइडियाज ले सकते हो। आपके पेज की थीम कुछ भी हो सकती है, भी थीम रख सकते हो आप। आपकी थीम आप फूड से रिलेटेड हो सकती है, थिंक फैक्ट से रिलेटेड हो सकती है। अगर आप पेज बिल्ड कर रहे हो तो आपको काफी हेल्प मिलेगा। यही सारे कोड्स आप जो है इसे पीछे वीडियो डाल करके, रील वाला वीडियो है अपना अपना देख लेना, आई बटन में है लिंक। ये सारी चीजें जो है अगर आप रील में डाल करके लिख सकते हो, कर सकते हो सेम चीज सेम प्रोसेस करके, आइडियाज यहाँ से लिख सकते हो और कैनवा का यूज करके ऐसे तरीके से मर्ज करके एक बढ़िया सा कॉन्टेंट प्लान कर सकते हो, बना सकते हो, काफी सारी चीजें हो जाएंगी यार। तो कॉन्टेंट के बारे में ही है, इंस्टाग्राम पे तो ग्रोथ करना आसान हो जाता है अगर आप ज्यादा कॉन्टेंट और टाइम अगर अपलोड कर रहे हो, ठीक है, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके कर रहे हो तो ग्रोथ 100% हो जाएगी आपकी, वो भी ऑर्गेनिक। यार इतना ही था आज की वीडियो में। अगर अभी तक देख रहे हो तो प्लीज ड्रॉप अ येलो हार्ट और अ येलो स्टार। अगर अच्छे लगा होगा वीडियो तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कर देना, और मिलते नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।